नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भवदीप भाटिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु से जुड़े हुए तीन उपाय, जिनको करने के बाद यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देता या नीच का है तो आप राहु के ये उपाय कर सकते हैं। और इन उपायों को करने के बाद आप पाएंगे कि काफी हद तक जो है राहु शांत हो गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नोट कीजिए, राहु का उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और इसमें आपको जौ का दान करना है। चलते पानी में आपको जौ प्रवाहित करने हैं। बीज मंत्र 108 बार मैक्सिमम और मिनिमम 11 बार बोलना है, जो है ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नम है। इस मंत्र के साथ आप जो है चलते पानी में जो प्रवाहित करें और इस उपाय को हो सके तो अंधेरा होने से पहले आप कर दें। नंबर दो पे आप ये भी कर सकते हैं, यदि आपके आसपास ऐसा पानी है जिसमें मछलियां हैं तो आप बुधवार के दिन ही जो मैंने बीज मंत्र अभी आपको बताया है उसी बीज मंत्र के साथ जो है मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के गुने हुए आटे की वह भी खिला सकते हैं। उससे भी राहु की रेमेडी या राहु का उपाय जो है हो सकता है और इसके कारगर रिजल्ट आपको मिलेंगे। और नंबर तीन पे दोस्तों एक और रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, परंतु दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, इस रेमेडी को आपको तब करना है जब राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं या फिर काल सर्प दोष भी यदि आपकी कुंडली में है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भैरव देव जो होते हैं, भैरव जी का जो मंदिर होता है, यदि आप त्रिकाल भैरव के मंदिर में जाकर शराब का दान करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और मैंने आपको जो मंत्र बताया था ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमे, इसी मंत्र का जाप करना है मिनिमम 11 बार और मैक्सिमम 108 बार। इसका जाप करते हुए आप मंदिर के अंदर जाके शराब का दान कर सकते हैं और ये जो शराब होती है ये आपको मंदिर के लगभग आसपास ही मिल जाती है, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। इन उपायों को करते वक्त एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अंधेरा होने से पहले आपको करने, दूसरी बात डिग्री को भी जांचिए, जो भी प्लेनेट होते हैं जो भी ग्रह होते हैं उनकी डिग्री होती है, तो यदि आप उनकी डिग्री भी जांच लेते हैं तो उससे आपको पता लगता है कि आपको किस तरह का उपाय जो है फॉलो करना है। मैंने जो आपको ये जो तीनों उपाय बताए हैं ये समझ लीजिए कि डिग्रीज के हिसाब से ही बताए हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है उस उपाय को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपकी जो डिग्रीज हैं वो आप मान लीजिए कि बाल अवस्था में है, बाल अवस्था से मेरा मतलब है 0 से 10 डिग्री के बीच में यदि राहु है तो आप पहली दो रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जो तीसरे नंबर की रेमेडी जो मैंने आपको शराब की डोनेशन वाली बताई है उसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है, उस रेमेडी को आप तब इम्प्लीमेंट करें जब आपकी कुंडली के अंदर राहु जो है नीच का है और या फिर ये कह लीजिए कि राहु जो है किसी भी मार्केश भवन में पड़े। मार्केश भाव से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरा घर, सातवां घर, छठा घर और आठवां घर, इन चार भावों का आप ध्यान रखते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। ये तीन उपाय वैसे तो बहुत कारगर उपाय हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना, राहु एक शैडो प्लेनेट होता है यानी कि छाया ग्रह इसे बोला जाता है, इसका खुद का पिंड नहीं होता। तो इन उपायों को यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इनको कंटिन्यूअसली करना है। कंटिन्यूअसली से मेरा मतलब ये है कि आपको इनको बंद नहीं करना। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम इन उपायों को एक बार करते हैं और फिर बंद कर देते हैं, परंतु राहु छाया ग्रह होने के कारण वापस से अपने असर दिखाने स्टार्ट कर देता है। तो आप जो भी उपाय करें, इवन तक काल सर्प दोष का उपाय भी करें, काल सर्प दोष के उपाय में तो मैं ये बोलता हूँ कि आप साल में उस उपाय को दो बार तो करें ही करें, 6-6 महीने के गैप पर, और इन उपायों को आप महीने में कम से कम दो बार तो जरूर करें अगर आप शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो उपाय हैं आपको वीक में एक बार करने होते हैं, तो महीने में दो बार भी करते हैं तो इससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों राहु की ये रेमेडीज हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं आई है, मन में डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके सवाल और मेरे जवाब, नो प्रॉब्लम विद दैट, आई कैन ऑलवेज आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू आर आस्किंग टू मी इन दिस वीडियो, यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।